जो मैं बता रही हूँ आप छाप देना। इंदिरा जी का भी दौर आपने देखा होगा, और जैसे कि 77 में आपातकाल का दौर था, उसके बाद फिर इंदिरा जी की भी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, कोर्ट के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर मामला संसदीय सचिवालय से जुड़ा हुआ है। तो जैसे विरोध में, विपक्ष में जो लोग हैं उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि यह भी अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है मोदी सरकार को लेकर के लोग कहते हैं, तो इंदिरा जी के दौर में और वर्तमान राजनीतिक दौर में कितना फर्क है और क्या मूल चीजें क्या है? सुनो, इंदिरा गांधी का कानूनी द्वारा था, इनका मनमाना जो इनके दिल में आए वो करते हैं, इन कानून की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कानून से चलते तो यह सदस्यता रद्द नहीं होती। वो ने कई बार उसने बोला कि हम बोलना चाहते हैं, बोलने का अधिकार नहीं दिया, मनमाना कर रहे हैं। अगर मोदी साहब को कोई पागल कह दे तो तुम हमारा सदस्यता कब खत्म कर दो? अरे हमारा भी सुनो ना, पहले के जमाने में कानून से इमरजेंसी लगी थी तब सबको बुक किया था, ये जबरन बुक कर रहे, बताइए, ये मनमाना, ये कानून नहीं है। बिना आपातकाल के ही आपातकाल लगा हुआ है ये कहना चाहे? ये आपातकाल नहीं, ये मनमाना काल है ना, ये कोई आपातकाल है? आपके मन में आया, आप हमसे बात कर रहे, अभी उनका आदमी आएगा आपको लेके चला जाएगा, क्यों इंटरव्यू ले रहे हो? लो, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम किसी से भी इंटरव्यू ले सकते, हम गाली तो नहीं दे रहे। यहाँ पर ये बात आए, वो कानूनन था, सबको बुक करवा दिया, कानून से बुक करवाए, मनमाना नहीं किया था उसने, है ना? और अब मनमाना है भाई, बात सुनना चाहिए ना। अब वो इमरजेंसी थी, ये इमरजेंसी नहीं, ये तो मनमाना है, जब दिल में आए किसी को भी बंद कर देना, किसी को रख, ये है। और जो आपने ये पत्र लिखा है प्रधानमंत्री महोदय को, आपने पत्र लिखा है, तो इस पत्र के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये पत्र के संदेश है कि विश्व में जो विश्व युद्ध होने वाला है, भारत ही है जो रोक सकता है। अगर ये नहीं रोकेगा तो यहाँ पर तो नैतिकता है नहीं है, लोग आपस में लूटपाट करेंगे, लोगों को, बहन बेटियों को कंधे बुटा कर लेके भागेंगे, लोग लूटपाट करेंगे, सबसे पहले हम लोगों की यहाँ गर्दिश आएगी। अगर विश्व युद्ध हुआ तो कहीं भी संकट आता तो भारत पे बौछार पड़ता है, इधर पाकिस्तान घिरा, उधर चीन घिरा, हम लोग नैतिक चरित्र नाम की चीज नहीं है, है ना? जब भारत में चरित्र का बहुत बोलबाला था, यहाँ पर ढोंग धतूरे की बोलबाला है, मूर्ति पर चढ़ा दो, यहाँ खिला दो, ये कर दो, ये धर्म है, है ना? भागवत सुन लो, ये कर, ये धर्म नहीं है, दूसरे की रक्षा करो, ये धर्म होता है। दूसरे की बहन बेटियों की शादी ब्याह करा दो, किसी अनाथ को कपड़ा पहना दो, ये धर्म नहीं है। धर्म पूजा करो, नहाओ, व्रत रहो, है ना? मानव धर्म से लोग दूर जा रहे हैं, मानव धर्म से बिल्कुल दूर, जातिवाद धर्म आ गया है, हमको खिलाओ तो पुण्य मिलेगा, उनको खिलाओ तो नहीं, ऐसा नहीं, जातिवाद आ गया है, है ना? मानववाद होता जैसे ये अन्न क्षेत्र कर रहा है, सिंधी ये 150 आदमियों को खिलाता, खिला रहे, उसको देख कर किसी में मानव सेवा आया ही नहीं, लूटो खाओ, धर्म सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो परहित की पीड़ा समझना ही सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म, तो उस धर्म का पालन नहीं हो रहा, मानव धर्म नहीं है, है ना? अब भारत में जो चरित्र का बहुत बोलबाला था उसका पतन होता जा रहा है, है ना? पुरुष में पुरुषार्थ, स्त्री में नारीत्व तथा, अब वो बात बहुत कम रह गया है ना? और आपने ये व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को लेकर के ये एक लेटर लिखा है, स्टॉप वॉर, तो ये आपकी संस्था है विश्व शांति विश्व बंधुत्व राष्ट्रभक्त संस्थान के, तो इसकी स्थापना के पीछे का क्या उद्देश्य था और इसकी स्थापना आपने शांति रहे कब की? विश्व में शांति रहे, मनुष्य मनुष्यता से रहे, है ना? और सब लोग अमन चैन से रहे, शांति से रहे। स्थापना कब की थी आपने? 1982 में विज्ञान भवन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने
उस 82 का पेपर आप उठाइएगा नव भारत, उसमें लिखा है जो भी मेरे विश्व शांति अभियान का प्रचार कर उसे मैं हृदय से सहयोग दूंगी। विज्ञान भवन में ही उन्होंने स्पीच दिया था, मैं उनसे मिलने गई थी 10 बजे, वो मिलती थी अपने बंगले में सबसे, हाँ है ना, मिलने गई थी उसी समय से। मेरा आँख कान चल अचल संपत्ति राष्ट्र को समर्पित है, दान है, मर जाएंगे तो हमारा लाश मेडिकल में चला जाएगा। आपने अपना शरीर जो है तो समर्पित किया दिया है ना। अब हमारा घर तो थोड़ा दूर है ना, तो आपको पूरा कुंडली दिखाती पेपर, हमारा बापू की आवाज़ नामक पत्रिका निकलता था, वो भी हमने उनको भेजा प्रधानमंत्री। इस संस्था के माध्यम से आपने और कौन से प्रयास किए जो है तो विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के लिए? यही काम करते रहे, राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिख करके जो है तो। सुनिए, एक बहुत बड़ा काम बीबी गिरी के जमाने की बात करते, उनको लिखा था अनाथ बच्चों को राष्ट्रीय बच्चे कहा जाए, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है, है ना। उन्होंने बीबी गिरी ने लिखा है, उसी समय से अनाथ आश्रम न लिखकर बाल निकेतन लिखना शुरू हुआ। ये हाँ, आपके प्रयास? मेरे प्रयास से ये हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा, उनका कागज भी है मेरे पास, है ना, इलेक्शन के पूरी कागज है मेरे पास, पूरी कुंडली है, जो हम बोल रहे हैं ना अक्षर अक्षर मेरे पास है, क्योंकि पता नहीं कब हमसे कोई पूछ बैठे, तो इसलिए तो हम सही होना चाहिए, सच्चाई के जीवन सच्चाई के करते हैं।